बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टॉप कॉन एंड सॉकेट और सेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम REM फंक्शन के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करने के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें सेशन एंड ओरिएंटेशन या किसी भी बेंचमार्क की कोई ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक इलेक्ट्रिक पोल की हाइट मेजर करनी है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक पोल के करीब कहीं भी किसी भी जगह पर अपने ट्रोथ स्टेशन की जगह फिक्स करने के बाद अपने ट्रोथ स्टेशन को रख कर बबल कर लूँगा। ट्रोथ स्टेशन को बबल करने के बाद इलेक्ट्रिक पोल के बॉटम में एक कंक्रीट फाउंडेशन बनी हुई है, उस कंक्रीट फाउंडेशन पर हमने अपने प्रिज्म रॉड को जाकर रख लिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करने के लिए REM फंक्शन में हमें रिफ्लेक्टर हाइट पुट करनी पड़ती है, इसलिए मैं अपने प्रिज्म रॉड के साथ अपनी रिफ्लेक्टर हाइट चेक कर रहा हूँ, जो कि 1.55 आ रही है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्रोथ स्टेशन के डिस्प्ले की तरफ। फंक्शनल पेज 2 के अंदर मेन्यू ऑप्शन ओपन करते ही हमें REM फंक्शन मिल जाता है। REM फंक्शन को रन करने के लिए इंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद जो विंडो ओपन हमें मिलेगी, इस विंडो में हमें सबसे पहले HT के सामने F2 की प्रेस करनी है, तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रिफ्लेक्टर हाइट इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ मैं अपने रिफ्लेक्टर हाइट 1.55 इंटर करने के बाद ओके बटन प्रेस करूँगा, तो हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट अब मेट्रो स्टेशन के IPs को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक पोल के बॉटम फाउंडेशन पर रखे हुए प्रिज्म रॉड के सेंटर में ट्रोथ स्टेशन के क्रॉस हेयर को सेट कर लूँगा। नेक्स्ट अब मैं REM विंडो में मेजर के सामने F4 की बटन प्रेस करूँगा, तो हमारी ट्रोथ स्टेशन हमारे प्रिज्म रॉड के सेंटर के मुताबिक स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लेगी। नेक्स्ट अब हमने इलेक्ट्रिक पोल की हाइट मेजर करने के लिए REM के सामने F3 की प्रेस कर देनी है, और उसके बाद ट्रोथ स्टेशन के टेलीस्कोप को मूव करते हुए इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर रिक्वायर्ड जगह पर लाकर अपने क्रॉस हेयर सेट कर लेने हैं। तकरीबन इलेक्ट्रिक पोल के सेंटर में एक रेड मार्किंग हुई है, तो सबसे पहले मैं उस रेड मार्किंग तक ट्रोथ स्टेशन के टेलीस्कोप को यूज़ करते हुए वहाँ तक अपने क्रॉस हेयर सेट करने के बाद हाइट चेक करूँगा। क्रॉस हेयर सेट करने से पहले मैंने REM बटन प्रेस किया हुआ था, इसलिए टेलीस्कोप को मूव करते ही हमारी हाइट कैलकुलेट हो चुकी है, जो कि प्रिज्म रॉड के बॉटम यानी इलेक्ट्रिक पोल की कंक्रीट फाउंडेशन से लेकर रेड मार्किंग तक 5.27 कैलकुलेट हुई है। इलेक्ट्रिक पोल के बॉटम यानी कंक्रीट फाउंडेशन से लेकर रेड मार्किंग तक 5.27 जो हाइट कैलकुलेट हुई है, मैं 5 मीटर स्टाफ यूज़ करते हुए आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी ट्रोथ स्टेशन ने 5.27 मीटर हाइट कैलकुलेट सही की है। नेक्स्ट अब मैं इलेक्ट्रिक पोल के टॉप तक हाइट मेजर करूँगा। इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर रेड मार्किंग तक हाइट मेजर करने के बाद मैंने स्टॉप बटन प्रेस करके REM फंक्शन को स्टॉप कर दिया था, इसलिए दोबारा से REM फंक्शन रन करने के लिए F3 की प्रेस करूँगा, REM फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। REM फंक्शन को रन करने के बाद जब मैं टेलीस्कोप को इलेक्ट्रिक पोल के टॉप तक मूव करूँगा, तो आप देखेंगे कि टेलीस्कोप के साथ हमारी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट हमने ट्रोथ स्टेशन के टेलीस्कोप को मूव करना है और उसके बाद आईपीस को यूज़ करते हुए क्रॉस हेयर को इलेक्ट्रिक पोल के टॉप तक सेट करना है, और उसके बाद देखेंगे हम ट्रोथ स्टेशन के डिस्प्ले में, तो हमारे पास हाइट कैलकुलेट होकर शो हो जाएगी, जो कि 10.729 कैलकुलेट हुई है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।